बहुत छोटी छोटी चीज़ याद आता है। देखिए, मैं लास्ट एपिसोड में आपको बताया कि आज पता चलता है कि राग संगीत कैसे सिखाना है, कैसे सीखना है। मगर एक बात देखिए, गुरुजी बोलते थे कि तुम जैसे गा रहे हो अगर किसी को तुम सिखाओगे तो उनको वो सूट ना भी कर सकता है। अगर तुम बोलोगे कैनो, वो बोलेगा कैनो, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। क्योंकि कितने बारीक चीज़ है और कितना गहरा चीज़ है ये तरीका, अप्रोच म्यूजिक में डिपेंड करता है, ह्यूमैनिटी के ऊपर निर्भर करता है। क्या इंसान है, उनका बाबा माँ कैसे है, उनका परिवार कैसे है, क्या सोचते हैं, इसी पे निर्भर करते हैं। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे आपके सामने आऊँगा कि कैसे कैसे हमने कैसे कैसे लोगों को देखा और क्या क्या सीखा। तो ये जो मैंने सीखा केएल पाठक जी का एग्ज़ाम से, कि ये भी तो एक सीखने की बात है। उस समय नहीं, मैं बहुत बाद में इसको सोचा और देखा। तो उसी चीज़ को आपसे, आपके साथ, आप सबके साथ मैं चाहता हूँ कि शेयर करने के बाद आपको अंदाज, थोड़ा सा सीखने का अंदाज मिलेगा। हम क्या करते हैं नॉर्मली, दूसरे का गलती पकड़ते हैं कि तुम किससे सीखा, मैं एक से सीखा, ओ ठीक नहीं है, ये तुम हमारे पास आओ ठीक करो। अगर मैं जिनके पास आया उनका भी एक चीज़ ठीक नहीं है तो फिर तीसरे लोगों के पास जाना है। क्या मैं ज़िंदगी भर क्या इनके पास, उसके पास, उनके पास ऐसे घूमते रहेंगे? ऐसे कुछ कुछ लोगों का ऐसा हुआ ज़िंदगी में, 10, 12, 15, 25 गुरु के पास जा के सीखने लगे, मगर जिनसे सीखा उनसे ही बिल्कुल अच्छी तरह सीख नहीं पाए। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि गुरुजी बोलते थे और सभी बड़े बड़े लोगों ने बोला, अब्दुल कलाम जी भी बोलते थे कि स्वान राजहंस जिसको बोलते हैं, राजहंस क्या करते हैं, पानी और दूध मिला दिया आपने, दूध को ले लेंगे और पानी रह जाएगा, ये कौन कर सकता है? दुनिया में एक प्राणी है जिसको बोलते हैं स्वान, हंस, राजहंस जिसको बोलते हैं, वो सबसे अच्छा दूध और पानी मिलाने से दूध ले लेता है, पानी पड़ा रहता है। तो किसी को क्रिटिसाइज करके खुद को बड़ा नहीं बना सकते, क्रिटिसाइज केवल खुद को करना पड़ता है, इससे खुद भी बड़ा होते हैं और जिनके साथ आपका विद्या शेयर कर रहे वो भी बड़े होते हैं। ये भी एक गुरु का तालीम है, क्योंकि गुरुजी, मेरे गुरुजी या कोई भी बड़े आदमी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया कि उनको क्या होता है, इनको नहीं आता है, वो बात सही नहीं है, ये बात नहीं, सबको बहुत अच्छा आता है, केवल हमारा नहीं आता है। हमारा आने के लिए क्या क्या करना है, सबके पास जो जो गुण है उसको लेना है और सबके पास थोड़ा बहुत तो कुछ ऐब या डिफेक्ट्स या कुछ गलती रहेगी उसको छोड़ना है। तो इसीलिए कोई भी देखिए, रामकृष्ण मिशन का जो सिंबल है देखिएगा, उसमें एक स्वान है, राजहंस है, या विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है, उनका जो कन्वेयर है, वाहन है, वो सरस्वती का वाहन है राजहंस। क्यों राजहंस? केवल विद्या को पूरा ले सकते हैं, विद्या को, गुण को ले सकते हैं और दोष को छोड़ सकते हैं। ये छोड़ना, अच्छी चीज़ को लेना और गलत चीज़ को छोड़ना, यही जिंदगी भर की तालीम होनी चाहिए। आज मैं ये समझता हूँ कि ये जो कालों काका कालाचंद लाहिड़ी ने जो क्रिटिसाइज़ किया था कि ये सही बात नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि गीतिकुंजो, यस आई रिमेम्बर नाउ, उनका नाम था गीतिकुंजो, गीतिकुंजो का कोई शागिर्द जरूर अच्छा गाया मगर उतना अच्छा नहीं गा पाए
उनके तालीम जिनको मिला, जो कि लोग उनका नाम जाने, लोगों तक वो गाना पहुंच पाए, वो नहीं पहुंचा था। इसीलिए वो बात शायद सही नहीं था, मगर ये क्रिटिसाइज की बात नहीं है, ये शिक्षा की बात है। हमें सीखना है, निंदा नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज खुद को करना, ये हमारा एक्सपीरियंस है।